हेलो फ्रेंड, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हम सम इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, बट सम इस फॉर्मूला हम बात करेंगे वीवीए के थ्रू, वो भी अदर वर्ब से। तो हमारे एक विवेक जी है, वो मुझे काफी टाइम फोन कर चुके हैं इस चीज के लिए, तो मैं टाइम निकाल के वीडियोज में उनके लिए बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप समिस लगा सकते हैं। हालांकि इसका यूज हम बीबीए मेथड से कर सकते हैं, बट उनकी बीबीए का नॉलेज थोड़ी सी वीक है, तो हम समिस जो एक्सेल वाला है वही बीबीए के थ्रू यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको डेटा दिखाता हूँ कि मेरे पास डेटा है जिसमें नेम है, सिटी है, सेल्स है और दूसरे वर्कबुक से है, और यहाँ मैं सेल्स चाहता हूँ जिसमें इस कंडीशन को लगा सकूँ। तो चलिए इसके लिए हम विजुअल बेसिक, इंसर्ट, मॉड्यूल और माइक्रो, यहाँ पे सब आईएफ करके हमने बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो रेंज डिफाइन करने, एक रेंज डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक में बड़ा नाम हो सकता है, इसलिए डिम आर एज ए हमने लिया रेंज, या ए कर सकते हैं सम रेंज एज ए आर। फिर डिम क्राइटेरिया वन एज ए रेंज ऑल्सो, डिम क्राइटेरिया टू एज ए रेंज, और यहां पे हम देंगे सेट एम आर इक्वल टू वर्क बुक। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वर्क बुक जो हमारा है ये ओपन होना चाहिए। अगर वर्क बुक हमारा ये यहाँ वाला ये ओपन नहीं हुआ तो मुश्किल होगा, तो इसको ओपन करने का कोड आपको डालना होगा। चलिए इसकी पूरी पाथ हम ले लेते हैं। मैं यहाँ से इन्फो में आता हूँ और क्लिप पाथ, अच्छा हमें SDT और ये, हाँ SDT ही है। यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक डॉट ओपन और हम यहाँ पे पाथ दे दिया, ये जरूरी है। उससे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, डिम एक्टिव वर्कबुक के लिए एज ए, और इसको ओपन कराने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे SW, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डायरेक्ट इक्वल कर दूंगा, सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम। अब यहां पे हम करेंगे सेट एम आर इक्वल टू वर्क बुक और इसके अंदर में SDT डॉट XLSM डॉट सीट, सीट में डेटा और फिर डॉट रेंज नेम, रोल सी में होगा हमारा। यहाँ पे हमने यहाँ इन्वर्टर कॉमा क्लोज नहीं किया, तो इसी तरह से हम बाकी को भी कर लेते हैं। क्राइटेरिया वन हमारा नेम है, क्राइटेरिया टू हमारा सिटी है, ऐसा कर देते हैं, सम रेंज सही रहेगा, और ए हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया वन रेंज सी वन, और ए हमारा हो जाएगा ए से लेके ए। फिर वापस सेट सी या सी टू इक्वल टू सॉरी, और यहां पे हमारा हो जाएगा
बी बाई सी, बीसी कट जाएगा। तो हमने पूरा सेट कर दिया, ये हमारा सम रेंज हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया वन, ये हमारा क्राइटेरिया वन रेंज, ये क्राइटेरिया टू रेंज, ये हमारा नेम का हो गया, ये हमारा सिटी का हो गया। एक बार डेटा को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए सी में हमें सम करना है, ए हमारा नेम का है और बी हमारा सिटी का है। तो ये हमने पूरी की पूरी इस पर डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ वर्क बुक, क्योंकि जब फाइल हमारा ओपन हुआ, जो हमारा फाइल ओपन हुआ तो हमारा डी टी जो है एस डी टी एक्टिवेट है ना, इसलिए वापस मुझे एस डब्ल्यू पे आना होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एस डब्ल्यू को होल्ड कर दिया था एक एस डब्ल्यू पे एक्टिव वर्क बुक, जिससे हमें डेटा डालना है, कॉपी करना है, डॉट एक्टिवेट करते हैं। और इसके हम इस वाले सीट पे जा रहे हैं, सीट वन वाले पे, तो ये एक्टिवेट है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे आ गया मैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज C1 में C2 होगा, C2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इफ ब्रैकेट ओपन में गए क्राइटेरिया वन रेंज, तो हमने यहाँ पे ऐसा डाल दिया सम रेंज, तो ऐसा क्राइटेरिया वन रेंज तो C1, क्राइटेरिया वन क्या है तो हमने लिख दिया रेंज A2 डॉट वैल्यू फिर कॉमा क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू है रेंज B2 डॉट वैल्यू, और ये हमारा फंक्शन का फॉर्मूला लग गया। तो कहां पे इस फाइल को क्लोज करते हैं सेव करके, ये हमारा A2, B2 और C2 पे रिजल्ट लाना है। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि एरर तो नहीं है, एरर तो आया नथिंग, ओ माफ कीजिएगा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, होना चाहिए तो ये लग गया था, रिजल्ट आ गया, लेकिन हमारा ये फाइल एसटीपी फाइल अभी भी ओपन है, सो इसको क्लोज करना होगा। तो यहां हम इसको कॉपी करते हैं इसको और लिखते हैं वर्क बुक्स, इसके अंदर इसको डालते हैं पेस्ट डॉट क्लोज, ये क्लोज कर देगा। अब बात आती है कि सिर्फ एक नाम है, मेरे पास कई सारे नाम है, सबको करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लूप लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूजा के साथ और भी नेम है और भी सिटी है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ हम लूप लगाएंगे वर्कबुक ओपन के पास, ये 4 I इक्वल टू चले, नहीं ये तो हो जाएगा, यहां पे लगेगा 4 I इक्वल टू चले 225 और यहां पे एंड नेक्स्ट I, इसमें जहां हमने C2 दिया हुआ है उसके जगह पे हम कॉन्कैटेनेट नेट कर देंगे I को, और यहां जहां हमने A2 दिया हुआ है हम कॉन्कैटेनेट नेट कर देंगे आई को, और यहां हमने B2 है वहां भी हम सेम बी के साथ कॉन्कैटेनेट नेट कर देंगे आई को, परफेक्ट है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, डिबग के साथ आई डॉट वैल्यू बी के साथ, सॉरी सॉरी इस पे स्पेस लग गया,
और ये प्रोसेस हो गया और फाइल भी क्लोज हो गई। तो एक कोडिंग जो है हमारा परफेक्ट कोडिंग है। और विवेक जी मुझे आशा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू। आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहे मेरे वीडियो पे। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह के क्वेश्चन है, मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन पे व्हाट्सएप पे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी टॉपिक कोई समझदार हुई या फोन पे नहीं समझा सकता हूँ तो टाइम निकाल के मैं इसी तरह आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सर, बाय बाय।